इस कहानी की शुरुआत होती है 19 जनवरी 1981 को, जब एक इंसान अपनी लाइफ बोट में 76 दिनों के लिए अटलांटिक ओशन में अकेले फंस जाता है, जो फैला हुआ है 106.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितने बड़े साइज में, और ऐसी जगह जहां पर अगर कोई फंस जाए तो उसका जिंदा बच पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस इंसान की जिंदा रहने की जिद शायद उन सभी प्रॉब्लम से भी काफी बड़ी थी जिसके वजह से ये वहां से बच पाया। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के रहने वाले स्टीवन कैलहन के बारे में। आइए जानते हैं उनकी इस रियल सर्वाइवल स्टोरी के बारे में आज की इस वीडियो में। स्टीवन को बचपन से ही बोट्स बनाने का काफी शौक था और उन्होंने अपनी डिजाइन की हुई कुछ बोट में से एक का नाम रखा था नेपोलियन सोलो, जो कि 6.5 मीटर लंबी थी। उनका बचपन से ही मिनी ट्रांजिट रेस में पार्टिसिपेट करने का ड्रीम था और जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने साल 1981 में इस रेस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को मिनी ट्रांजिट में ट्रेवल करके अमेरिका के रोड आइलैंड में स्थित न्यूपोर्ट से शुरू करते हुए अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना होता है। इस रेस के लिए उन्होंने खुद की डिजाइन की हुई नेपोलियन सोलो बोट को अपने फ्रेंड क्रिस लेजम के साथ अकेले ही बरमूडा के लिए रवाना कर दिया और इंग्लैंड की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते रहे। हालांकि शुरू में इस रेस को पेंजिस इंग्लैंड से एंटीगुआ तक के लिए प्लान किया गया था, लेकिन बीच में ही खराब मौसम के चलते कैलहन और उनके ग्रुप में रेस करने वाले बाकी सभी बोट्स को काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से कैलहन स्पेन के ला कोरुना में रेस से बाहर हो जाते हैं। उनकी बोट में हुए डैमेजेस को रिपेयर करने के बाद कैलहन स्पेन और पुर्तगाल के कोस्ट लाइन पर अपनी बोट में ट्रेवल करते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा तब पड़ जाती है जब एक रात में तूफान के दौरान किसी चीज से टकराने की वजह से उनकी बोट में छेद हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। लेकिन इसके बाद भी उनकी बोट पानी में पूरी तरह से नहीं डूबती, क्योंकि कैलहन ने बोट में पहले से ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट को डिजाइन किया था। बाद में अपनी बुक में कैलहन ने बताया कि उनकी बोट शायद एक वेव के साथ टकराने की वजह से डैमेज हुई थी। अब जब कैलहन की बोट में पहले ही पानी भर चुका था, समुद्र में तेज और ऊंची लहरों से टकराने की वजह से उनकी बोट समुद्र में डूब जाती है और उन्हें अपनी बोट को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब कैलहन एक इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका साइज लगभग 6 फीट का था, लेकिन उनकी बोट में कुछ ऐसी जरूरी चीजें थी जिनके बिना उनका राफ्ट पर सर्वाइव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और ये सारी चीजें उस बोट के साथ डूब चुकी थी, जिसके लिए उन्हें समुद्र के अंदर जाकर उस बोट से इन चीजों को लाना पड़ा। इसमें कुशन का एक टुकड़ा, एक स्लीपिंग बैग, एक इमरजेंसी किट और एक सर्वाइवल मैनुअल थी, जिसे एक सी सर्वाइवल डेनियल रॉबर्टसन ने लिखा था। साथ ही साथ इनमें कुछ खाने की चीजें, नेविगेशन चार्ट, एक छोटी स्पीयर गन, फ्लेयर गन, टॉर्च और 3 सोलर स्टील भी शामिल थी। सोलर स्टील एक ऐसा डिवाइस होता है जो सूर्य की गर्मी को यूज करके पानी को इवेपोरेट करता है और इस बात को इकट्ठा करके इसे पीने लायक पानी में बदल देता है। अपनी डूबी हुई बोट से अलग होने के बाद कैलहन हवा के साथ चलते हुए वेस्ट में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे उनका खाना भी खत्म होने लगता है जिसे वो बोट से लाए थे, और अपने खाने और जिंदा रहने के लिए उन्हें शिकार करना शुरू करना पड़ता है। उन्होंने समुद्र में तैर रही मछलियों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने माही माही, ट्रिगर फिश और कुछ उड़ने वाली मछलियों का भी शिकार किया। शिकार के लिए उन्होंने स्पेयर गन का यूज किया जिसे वो बोट से लाए थे। साथ ही साथ उन्होंने कुछ पक्षियों का भी शिकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने समुद्र में जिन भी चीजों का शिकार किया, ये सब एक इकोसिस्टम का पार्ट था और जो उनके साथ करीबन 3300 किलोमीटर तक चलता रहा। ये इतनी ज्यादा डिस्टेंस है जिसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 लगभग 3700 किलोमीटर का है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। अब कैलहन बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए 2 सोलर स्टिल्स का यूज कर लेते हैं और तीसरे सोलर स्टिल्स को वो ये जानने के लिए काट देते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस तरह वो पीने के पानी का इंतजाम करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन इस तरह वो दिन में केवल 1 पिंट पानी को ही पीने लायक बना पा रहे थे। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद कैलहन समुद्र से मिलने वाली सभी चीजों को यूज करते हुए और अपने सर्वाइवल स्किल्स के साथ खुद को जिंदा रख पा रहे थे। उनके पास EPIRB मशीन थी, जो कि एक पोर्टेबल बैटरी से चलने वाला डिवाइस होता है, जिसे बोट्स और शिप्स के द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को ढूंढने और रेस्क्यू के लिए यूज किया जाता है। कैलहन के इस डिवाइस को यूज करने और कई फ्लेयर्स फायर करने के बावजूद भी उनके इमरजेंसी सिग्नल्स रेस्क्यू टीम्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस समय इस मशीन के द्वारा दिए गए सिग्नल्स को सैटेलाइट से ट्रैक नहीं किया जा रहा था, और दूसरी तरफ वह समुद्र के एक ऐसे एरिया में फंसे हुए थे जो जमीन से काफी दूर था। इसके अलावा जो भी शिप वहां से जा रहे थे वे भी कैलहन के फ्लेयर सिग्नल्स को नहीं देख पा रहे थे। इन सब के चलते वो काफी टेंशन में रहने लगे और उनमें एक नेगेटिव फीलिंग भी आने लगी। इस कारण वो उस जगह काफी दिनों तक फंसे रहे और इस दौरान उन्हें 9 जहाजों को वहां से पास होते हुए देखा, जिनमें से ज्यादातर उन 2 सी लेन्स के बीच में थे जिसे उन्होंने पार किया था। फिर भी शुरू से ही कैलहन जानते थे कि वे रेस्क्यू टीम्स के वहां पर आने और उन्हें बचाने का वेट नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खुद पर भरोसा करके
खुद ही अपने रेस्क्यू की कोशिश करनी थी। इस बात की फिक्र ना करते हुए कि इसमें उन्हें कितना टाइम लगने वाला है, इस दौरान उन्होंने खुद को डेली रूटीन एक्टिविटीज में काफी बिजी रखा, जैसे एक्सरसाइज करना, नेविगेट करना, अपनी रेफ्ट को रिपेयर करना, अपने खाने के लिए मछली पकड़ना और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खाना और पानी का स्टॉक इकट्ठा करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से सिर्फ 2% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस आप तक लाने में हेल्प मिलती है। अब दिन था 20 अप्रैल 1981 का और जैसे ही रात हो रही थी, कैलहन ने मैरी गैलेंटे आइलैंड पर कुछ रोशनी देखी। अगले दिन अपनी रेफ्ट में रहते हुए उन्हें 76 दिन बीत चुके थे और अब उनका सर्वाइवल टाइम खत्म होने वाला था। उनकी रेफ्ट के ऊपर कुछ पक्षियों का झुंड मंडरा रहा था, जिसे नोटिस करते वहां के कुछ मछुआरों द्वारा कैलहन को बचा लिया गया। अपने इस पूरे स्ट्रगल के दौरान कैलहन को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें शार्क का उन पर हमला करना, उनकी रेफ्ट में पंक्चर होना, डिवाइसेस का फेल होना, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होना शामिल थे। इस दौरान वे अपना एक तिहाई वजन खो चुके थे और उनके शरीर पर कई खारे पानी के घाव भी हो गए थे। इसके बाद उन्हें पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें रिकवर करने में 6 वीक्स का टाइम लगा। अपने इस सर्वाइवल स्ट्रगल के बीच कैलहन के पास सिर्फ पेनफुल मोमेंट्स नहीं थे, बल्कि उन्होंने कुछ पॉजिटिव मेमोरीज भी इकट्ठी की थी, जैसे कि उन्होंने रात में आसमान देखते हुए उसे एक नरक में बैठे हुए स्वर्ग के दृश्य की तरह डिफाइन किया था। अपने इस पेनफुल एक्सपीरियंस के बावजूद भी कैलहन अभी भी बोट सेलिंग और समुद्र को काफी इंजॉय करते हैं और जिसे वे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल बताते हैं। स्टीवन कैलहन की समुद्र में जिंदा रहने की इस रियल सर्वाइवल स्टोरी से हम 2 इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। फर्स्ट, कैसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अपनी विल पावर का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा खाना, पानी और कुछ चीजों के साथ इतने अधिक समय तक समुद्र में फंसे रहने के बावजूद कैलहन ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बजाय उन्होंने एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखा और जिंदा रहने के लिए अपने सर्वाइवल स्किल्स का यूज करते रहे। सेकंड, उनकी स्टोरी में बताती है कि जिंदा रहने के लिए अडेप्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है तो हमें अपने नजरिए को बदलने और अपने वातावरण के अनुकूल खुद को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कैलहन को बदलते हुए मौसम और कुछ ही चीजों की अवेलेबिलिटी होने जैसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लगातार खुद को बदलते रहना पड़ा और खुद को इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज करने की वजह से ही वह काफी समय तक खुद को जिंदा रखने में कामयाब रहे और इसी वजह से उन्हें बाद में बचाया भी जा सका। कैलहन ने अपनी सर्वाइवल स्टोरी पर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है ड्रिफ्ट। इस दुनिया में कितने ही लोगों की ऐसी सर्वाइवल स्टोरीज हैं जो आपको, मुझे और हम सबको किसी भी तरह की सिचुएशन से लड़ने में मोटिवेट करती हैं, और ऐसे ही एक सर्वाइवल स्टोरी है माउरो प्रोस्पेरी के बारे में, जिसे आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल सात्विक कॉन्शियसनेस को जरूर सब्सक्राइब करें।